सो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 15,000 के प्राइस पॉइंट पे आने वाले टॉप 5 स्मार्टफोन्स के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों, हम जिन भी स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, उन सभी के अंदर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी दमदार फीचर्स देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, उसके साथ ही आपको 65 वाट तक का सुपर चार्जिंग का सपोर्ट, साथ ही आपको दमदार प्रोसेसर जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे, और वहीं आपको कैमरा भी जो है टॉप नॉच का देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आपका बजट 15,000 के आसपास है और एक बढ़िया सा बेस्ट स्मार्टफोन आप बाय करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास हो सकता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन से टॉप 5 स्मार्टफोन है जो कि आपको 15,000 के प्राइसिंग के नीचे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेडमी नोट 10 के बारे में, जहाँ पे आपको प्राइस के अकॉर्डिंग रेडमी की तरफ से काफ़ी कमाल का फीचर्स मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको मिलता है एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 6.43 इंच के साथ में आता है, और यहाँ पे आपको फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिलेगा, और वहीं आपको बैक साइड की ओर जो है 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। इसका कैमरा भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी बढ़िया है। साथ ही आपको फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh का बिग बैटरी का सपोर्ट मिलेगा, जिसे चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इन द बॉक्स मिल जाता है। और वहीं आपको परफॉर्मेंस के लिए जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 का न्यू चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग जो है चिपसेट काफ़ी बढ़िया दिया गया है। यहाँ पर आप मीडियम गेमिंग जो है काफ़ी स्मूथली कर पाएंगे। साथ ही ये डिवाइस जो है डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, जो कि इस प्राइस रेंज में देखे तो रेडमी ने काफ़ी अच्छे से काम किया है। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो ये डिवाइस आपको 12,000 के प्राइसिंग में मिल जाएगा, जो कि 4G+ 64GB स्टोरेज के साथ में आता है। सो दोस्तों, अगर आपका बजट 12,000 है और आपको एक बेस्ट वैल्यू फॉर स्मार्टफोन चाहिए, जहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो जरूर से आपको इस डिवाइस को जो है इस प्राइस रेंज में कंसिडर करना चाहिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में। तो ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा पोको की तरफ से, पोको M2 Pro, जो कि करीब 7 से 8 मंथ पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग फीचर्स देखे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में। तो ये डिवाइस आपको ग्लास बैक के साथ में आता है, जहाँ पर आपको प्रीमियम ग्लास पैनल देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बैक साइड की ओर जो है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, और वहीं आपको फ्रंट में जो है 6.67 इंच का एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, और यहाँ पे आपको नॉर्मल 60Hz का डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और वहीं बात करें इसके कैमरा के बारे में, तो ये डिवाइस क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहाँ पे आपको मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ ही आपको फ्रंट में जो है 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा, और इस डिवाइस का कैमरा प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ ही आपको इस डिवाइस के अंदर 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर प्राइस के अकॉर्डिंग देखे तो काफ़ी दमदार मिलता है। इसके अंदर यूज़ किया गया है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट, जो कि 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो ये डिवाइस आपको 4G+ 64GB बेस वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस आपको 13,000 है। बट ये डिवाइस आपको सेल के टाइम में जो है कई बार आपको 12,000 के प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, देखें तो यहाँ पे आपको 12,000 के प्राइस पॉइंट पे पोको की तरफ से आपको प्रीमियम ग्लास बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है, साथ ही आपको अच्छी वाली परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगा। तो आपका बजट अगर 12,000 से लेकर 13,000 के प्राइस पॉइंट पे है, तो आप इस डिवाइस को भी देख सकते हैं। सो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की ओर। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं Realme की तरफ से आने वाले Narzo 20 Pro के बारे में, जहाँ पे आपको काफ़ी कमाल का फीचर्स देखने को मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पे अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो इसके ओवरऑल फीचर्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंच का एक फुल एचडी प्लस का IPS LCD पैनल, जहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि इस डिवाइस को और भी खास बनाता है, और यहाँ पे आपका गेमिंग परफॉर्मेंस जो है और भी इनहेंस हो जाता है। कैमरा की बात करें, तो ये डिवाइस जो है क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहाँ पे आपको मेन सेंसर जो है 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस एंड आपको बाकी के 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा, और वहीं आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा दिया गया है। बैटरी की बात करें, तो यहाँ पर आपको 4500mAh का बैटरी दिया गया है,
जहाँ पे आपको 65 वाट का सुपर डार्क चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपके डिवाइस को करीब 30 मिनट के अंदर ही चार्ज कर देता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे मल्टीटास्किंग और पावरफुल गेमिंग के लिए मेडाटेक की तरफ से हीलो G95 का एक गेमिंग चिपसेट दिया गया, जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और यहाँ पे आपको प्राइस के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। साथ ही आपको सिक्योरिटी के लिए साइड मॉनिटर फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो ये डिवाइस आपको 14,000 के प्राइसिंग में मिल जाएगा, जो कि 6G+ 64G बेस मॉडल के साथ में आता है। सो दोस्तों, अगर आपका बजट 14,000 है और आपको अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए, साथ ही आपको 90Hz का एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, और वहीं आपको यहाँ पर जो है प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, तो आप इस डिवाइस को ज़रूर से कंसिडर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पोको की तरफ से आने वाले पोको X3 के बारे में, जहाँ पे ये डिवाइस जो है जिस टाइम लॉन्च हुआ था उस टाइम इसका प्राइसिंग करीब 18 से लेकर 19,000 था, लेकिन अभी इसका प्राइसिंग जो है काफ़ी कम हो चुका है और प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फीचर्स काफ़ी दमदार मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6000mAh का दमदार बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा, साथ ही आपको 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है इन द बॉक्स मिलता है, और वहीं आपको पावरफुल गेमिंग के लिए जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट दिया गया है, जो कि 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और साथ में आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस जो है प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ये डिवाइस जो है क्वाड ईयर कैमरा सेटअप के साथ में आता है। यहाँ पे आपको प्राइमरी सेंसर 64MP का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको 13MP का वाइड एंगल लेंस एंड आपको बाकी के 2-2MP का डेप्थ एंड मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। और इस डिवाइस का कैमरा जो है रियली प्राइस के अकॉर्डिंग देखे तो काफ़ी बढ़िया है, और आपको सेल्फी के लिए जो है 20MP का पंच होल कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.67 इंच का एक बिग फुल HD+ का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ में आपको 120Hz का जो है सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको सिक्योरिटी के लिए साइड मॉनिटर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाता है। इसके साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट दिया गया है, तो यहाँ पे आपको वीडियो एंड ऑडियो एक्सपीरियंस काफ़ी इनहेंस हो जाएगा। और ये डिवाइस आपको 6G+ 64G बेस ब्रांड के साथ में आता है, जिसका प्राइस आपको करंट टाइम में जो है 15,000 देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आपका बजट 15,000 है और आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस चाहिए, साथ ही आपको दमदार प्रोसेसर चाहिए जहाँ पे आप कमाल की गेमिंग कर पाएँ, तो आप ज़रूर से इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। बट हाँ, ये डिवाइस आपको थोड़ा सा जो है बल्कि फील होगा, क्योंकि इसका थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा है, अदरवाइज ये डिवाइस काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आपको थिकनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं रियलमी की तरफ से आने वाले, जो कि रियलमी ने इस डिवाइस को हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा Realme 8, जहाँ पे आपको काफ़ी कमाल का फीचर्स मिलता है। तो इसके फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड पैनल, जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कमाल का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको नॉर्मल 60Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी मिल जाता है। तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको प्राइस के अकॉर्डिंग रियलमी की तरफ से काफ़ी तगड़ा मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे भी आपको क्वाड ईयर कैमरा दिया गया है, जहाँ पे मेन सेंसर 64MP का मिलेगा। इसके अलावा आपको 8MP का वाइड एंगल लेंस एंड बाकी के 2-2MP का सेंसर मिल जाता है। साथ ही आपको फ्रंट में 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस डिवाइस का कैमरा आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ही है, और वहीं आपको 5000mAh का पावरफुल बैटरी मिलेगा, साथ में आपको 30W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको अगेन जो है मेडाटेक हीलो G95 का पावरफुल चिपसेट दिया गया है, जो कि एक गेमिंग चिपसेट है, और ये चिपसेट आपको 12 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी बेस्ड है। प्राइस के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया दिया गया है, यहाँ पे आप गेमिंग जो है काफ़ी बढ़िया कर पाएंगे। तो फाइनली बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो ये डिवाइस आपको 15,000 के प्राइसिंग में मिल जाएगा, और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 4GB का रैम मिलता है, जो कि ठीक ही है, लेकिन आपको 128GB का स्टोरेज दिया गया है, जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो रियलमी ने काफ़ी कमाल का काम किया है। सो दोस्तों, अगर आपका बजट 15,000 है और आपको एक बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, जहां पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, वो भी आपको इस प्राइस रेंज में दिया गया है, और वहीं आपको प्रोसेसर भी यहाँ पर काफ़ी कमाल का मिल जाता है, तो आपका बजट अगर 15,000 है तो ज़रूर से आपको इस डिवाइस को कंसिडर करना चाहिए। सो दोस्तों, यही था मेरी तरफ से टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। आई होप आपको ये लिस्ट काफ़ी अच्छी लगी होगी। साथ ही जो है आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक न्यू वीडियो के साथ।